जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक साइंस का विशेष जो चैप्टर है हाई स्कूल के लिए या फिर भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसको हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हेडिंग पड़ा हुआ है उत्सर्जन। क्या उत्सर्जन? ये उत्सर्जन क्या होता है इसको समझो। शरीर से कोई भी चीज़, ये बायो का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर का देखो कोई भी चीज़ जो बाहर निकालते हैं हम उत्सर्जन कहलाता है। जो चीज़ बाहर निकलता है उत्सर्जन, उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। जिस चीज़ से बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो कह रहा अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अवशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जिन अंग द्वारा इनको निकाला जाता है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, और जो पदार्थ निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखो ये पांच अंगों द्वारा इनको निकाला जाता है। मुख्यतः मनुष्य के शरीर के पांच अंगों द्वारा इसको निकाला जाता है। पहला त्वचा, दूसरा फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और गुर्दा। अब त्वचा से क्या क्या चीज़ें निकालते हैं उसको चलो ध्यान से समझ लेते हैं। पसीना को हम लोग निकालते हैं त्वचा से, ठीक है। सीवन, सीवन मतलब होता है तैलीय पदार्थ। जैसे आप लोग गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम, गर्मी के मौसम में अक्सर नाक ओक पे देखते हुए कुछ तेल टाइप से चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को कहते हैं तैलीय पदार्थ, और वही है सीवम। तो सीवम को भी स्किन के द्वारा हम लोग त्वचा के द्वारा निकालते हैं। फिर नमक, नमक को भी हम त्वचा के द्वारा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आप अगर हाथ को चाट करके देखेंगे या फिर बॉडी को चाट करके देखेंगे तो नमकीन टाइप में पता चलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से नमक को हम लोग निकाल रहे हैं। या फिर जब गर्मी के मौसम में हम लोग काले कपड़े पहनते हैं तो पसीने के वजह से जो है उस पर वाइट वाइट धब्बा आ जाता है, तो वाइट क्या है? नमक ही है, ठीक है। बात करते हैं फेफड़े की। फेफड़े का काम क्या होता है? CO2 को बाहर निकालता है। जैसे आप जब ऑक्सीजन को खींचते हैं फेफड़े की सहायता से तो उसको निकालने का काम CO2 हम लोग निकालते हैं, तो उसको निकालता कौन है? फेफड़ा निकालता है। वाष्प, वाष्प भी निकालते हैं हम लोग फेफड़े के माध्यम से। जब गर्मी ठंडी का मौसम होता है तो हम लोग वाष्प को बाहर निकालते हैं। तो ये वाष्प जो होता है ठंडी के मौसम में जब हम लोग अपने मुंह से हवा को बाहर निकालते हैं तो एक भाप के रूप में निकलता है। तो भी कहाँ से निकलता है? फेफड़ा ही उसको बाहर फेंकता है। फिर बलगम, आप लोग जानते हैं बलगम क्या होता है, जिसको खिखार बोलते हैं भोजपुरी भाषा में। तो वो बलगम भी हम लोग फेफड़े के माध्यम से, जिसको पोटा भी कहते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है? बड़ी आंत जो होता है शरीर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसकी आकृति इस प्रकार से होती है, ठीक है, एन टाइप में होती है उसकी आकृति, स्मॉल एन टाइप में। तो बड़ी आंत से क्या निकलता है? अपचा भोजन। क्या निकलता है? अपचा भोजन, जिसको लैटरिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अपचा भोजन को बड़ी आंत द्वारा निकालते हैं, जिसको वैज्ञानिक नाम में काइल बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यकृत। यकृत का काम क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत होता है, हमारे शरीर में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और अमोनिया ही सबसे गंदा पदार्थ होता है, मतलब गंध का काम मतलब वो करता है अमोनिया, ठीक है। ये जो अमोनिया होता है ये लीवर में जाता है, यानी कि यकृत में जाएगा और वहाँ जाने के बाद जो है यूरिया में उसको परिवर्तन करता है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ये जो अमोनिया यूरिया बनता है सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बनता है, फिर वो अमोनिया में परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? यकृत जो होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करके कहाँ भेज देता है? गुर्दे में भेज देता है, यानी कि वृक्क में भेज देता है, किडनी में भेज देता है। और किडनी में जो ही यूरिया पहुँचता है तो वहाँ पर जो है खून को जो है जो ही किडनी में पहुँचेगा यूरिया, तो वहाँ पे जो है जितने भी शुद्ध खून होंगे उनको जो है वो किडनी छान करके बाहर भेज देगा, और जितने भी वो होते हैं वहाँ पे प्रोटीन वगैरह होते हैं उनको भी जो है छान करके बाहर भेज देगा। बाकी बचे पेशाब, सारे प्रोटीन्स को, खून को जब बाहर निकाल देता है तो बन जाता है वो पेशाब, और वह पेशाब जिसको कहते हैं यूरिन, वह पेशाब हम मूत्र मार्ग द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वृक्क का काम क्या होता है? यूरिया को पेशाब, यूरिया को लेगा, उसमें से जो है विटामिन्स को और जो है
ब्लड को बाहर कर देगा और जो बचेगा उसी को पेशाब कहते हैं और उसको जो है मूत्र मार्ग द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। और यही जो होता है मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, यही शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। अगर पूछता है कि शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है तो आपको बताना होगा मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। आप देख सकते हैं वृक्क, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यह आपका वृक्क है, ठीक है। हमारे शरीर में दो किडनी, वृक्क को हिंदी में वृक्क कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। अब देखो ये किडनी है, हमारे शरीर में दो किडनी पाई जाती हैं। जो दायां किडनी होता है वो थोड़ा नीचे होता है बायां किडनी के अपेक्षा। देख सकते हैं कि बायां किडनी थोड़ा ऊपर है और दायां किडनी थोड़ा सा नीचे है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक सिरा पाया जाता है जिसको कहते हैं अग्र महाशिरा। क्या होता है? अग्र महाशिरा। और इसी के माध्यम से जो है हमारे अग्र महाशिरा के माध्यम से ही हमारा यूरिया जो ये क्या कहते हैं ये यकृत जो बनाता है यूरिया को इसी के माध्यम से किडनी में पहुंचाया जाता है। और किडनी में ये सारा काम होकर के किडनी में जाता है तो वहां पे विटामिन्स वगैरह को छान करके भेज दिया जाता है और वहां से भेजने के बाद ये मूत्राशय में अपना या मूत्र वाहिनियों द्वारा जो है ये पेशाब जो होता है ये मूत्र वाहिनियों द्वारा हमारे ब्लैडर में पहुंच जाता है और यहां से हम मूत्र मार्ग के द्वारा इसको निष्कासित कर देते हैं। आपको ये बात पूरी समझ में आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है, यह अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है एक प्रकार का लिक्विड छोड़ती है जिससे जो है पेशाब हमारा बनने का काम करता है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब चलो बात करते हैं किडनी के विशेषताएं क्या है। तो किडनी जो होता है यह मुख्य उत्सर्जी अंग है, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा, रक्त को यह छानने का काम करता है, ठीक है। और शुद्ध और जो रक्त को यह सिर्फ छान करके बाहर करेगा, लेकिन अगर शुद्ध करने की बात पूछता है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कौन करता है, यानी कि शुद्ध रक्त कौन करता है, तो फेफड़ा करता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ रक्त को अलग करने का काम करता है किडनी, लेकिन फेफड़ा जो होता है रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। उसके बाद से यह पेशाब का निर्माण भी करता है, यानी कि आपका किडनी क्या करता है, पेशाब का निर्माण करेगा। और जो किडनी होता है ये अम्ल और क्षार के पीएच मान को नियंत्रित करता है, यानी कि अम्ल और जो क्षार होगा उसके पीएच मान को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, बैलेंस करता है, कौन? ये किडनी। फिर कहता है ये जहर को निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है? ये जहर को निष्क्रिय कर देता है, कौन? किडनी। किडनी जो है अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जहर खाता है तो उसको निष्क्रिय करने का काम कौन करेगा? किडनी करेगा। यानी कि मान लो कि जहर किसी तरह अगर किडनी में पहुंच गया तो किडनी को ज़्यादा इफेक्ट जहर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जो है जहर को ऑलरेडी किडनी निष्क्रिय कर देता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जहर खाता है तो उसके किडनी पर ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके लीवर पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति जो है जहर खाता है तो उसका किडनी नहीं फेल होगा बल्कि उसका लीवर फेल होता है, क्योंकि लीवर में कोई ऐसा पदार्थ नहीं पाया जाता है कि जहर को निष्क्रिय करे। लेकिन जो किडनी होता है उसके अंदर जो है तमाम प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो कि जहर को निष्क्रिय करते हैं, ठीक है। अब तीसरा, छठवां आता है कि इसकी संख्या दो होती है। देख सकते हैं कि यहाँ फिगर में एक और दो, दो यहाँ पे जो है आपका किडनी होता है, ठीक है। इसकी संख्या दो होती है, बायां गुर्दा और दायां गुर्दा, जिसको कहते हैं बायां किडनी दायां किडनी। जो दाहिना किडनी होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, नीचे होता है, ठीक है। अब उसके बाद से इसका भार की बात करते हैं तो किडनी की जो भार होती है 140 ग्राम होती है। कितनी होती है? 140 ग्राम होती है। इसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाहर झिल्ली बनाई गई है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। इसके बाहर यानी कि इस कार्टेक्स, जो कार्टेक्स है ना, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब उसके बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। देखिए ये बाहर वाला जो भाग है ना, रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये कार्टेक्स होता है। मतलब इसी को वल्कुट भी बोलते हैं, हिंदी में वल्कुट बोलते हैं, इसी को कार्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आंतरिक वाले भाग को कहते हैं मेंडुला। क्या बोलते हैं? मेंडुला बोलते हैं। आंतरिक जो अंदर का ये भाग व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, मेंडुला कहते हैं। और यहाँ पे जो भाग होता है इसको कहते हैं प्रवेश द्वार। इसी को क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। और इसी को रेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल कहते हैं। और यहाँ पे अमोनिया की मात्रा भी पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे प्रवेश द्वार भी समझ में आ गया होगा, जिसको रेनल हिलम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया की मात्रा भी पाई जाती है, अधिकतम यहाँ पे अमोनिया की मात्रा होती है। ये अगर ये बना किस चीज़ का है? हमारा जो ये किडनी होता है किस चीज़ का बना होता है? ये नेफ्रॉन का बना होता है, नेफ्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है? नेफ्रॉन। यहाँ पे नेफ्रॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है, लगभग 800,000 नेफ्रॉन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है किडनी का? तो किडनी का आकार जो होता है सेम के बीच की तरह का होता है। बाहरी भाग इसका जो होता है, जिसे आप देख सकते हैं बाहरी भाग है, ठीक है, इसका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, अंदर का भाग क्या होता है? दबा हुआ होता है। बाहरी भाग उभरा हुआ, अंदर का भाग क्या होता है? दबा हुआ होता है, जिसको धसा हुआ भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है 6 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो मोटाई होती है
मतलब अगर इसको काटोगे, इसको किडनी को अगर काटोगे तो उसकी किडनी की एक मोटाई आएगी, और उसकी मोटाई क्या होगी आपकी 2.5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो आपको ये पूरी बात शायद समझ में आ गया होगा। जो किडनी का धंसा हुआ भाग होता है इसी को हाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलस, यानी कि आपका ये वाला जो भाग होता है धंसा हुआ भाग, इसी को क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं। समझ में आ गया सबको? और एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट आउट छूट जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव सरल विसरण द्वारा कोशिकीय सतह से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, यानी कि जो एक कोशिकीय जैसे अमीबा पैरामेशियम होते हैं, ये सभी लोग अपने स्किन से जो भोजन को लेते हैं और अपने स्किन से जो इनका निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। अब चलो अगले पेज पर चलते हम लोग। तो गाइज अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। अब चलते हैं लोग नए पेज पे। अब दोस्तों चलो बात कर लेते हैं मूत्र का निर्माण कैसे होता है, नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में नेफ्रॉन का बहुत बड़ा योगदान होता है, नेफ्रॉन ना होता शायद मूत्र का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। यानी कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन किडनी में होता है, किडनी नेफ्रॉन से ही किडनी बना हुआ है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का कार्य कैसे होता है, मूत्र कैसे बनता है, तो देख सकते हैं कि हमारे पास एक फिगर है नेफ्रॉन की। किसकी फिगर है? एक नेफ्रॉन की फिगर है, यहाँ पे नेफ्रॉन लिख देता हूँ मैं, नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन की एक फिगर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेफ्रॉन की फिगर है, तो यहाँ पे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं कि इसका काम कैसे होता है नेफ्रॉन का। ये नेफ्रॉन की फिगर है, ठीक है। देखो नेफ्रॉन में एक प्रकार का यहाँ पे पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। जब देखो जब ये हमारा ये अमोनिया, जब हमारा अमोनिया यानी कि जो अमोनिया का मतलब उसमें तमाम प्रकार के पेशाब भी होता है, लेकिन उसमें जो यूरिन की मात्रा होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें आपका खून भी रहेगा, तमाम प्रकार के विटामिन्स भी होते हैं। तो उसको कैसे वो अलग करता है, यानी कि खून को कैसे अलग करता है, विटामिन्स को कैसे अलग करता है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो जब हमारा अमोनिया यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे एक प्रकार का जो है पदार्थ होता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या कर देता है कि जो खून होता है उस खून को सिर्फ छानता है, और खून को क्या छान करके इधर हटा देगा, भेज देगा वापस, लेकिन बाकी चीज़ को क्या कर देता है, आगे एंट्री देता है। लेकिन ये थोड़ा सा गलती ये कर देता है कि ये खून को सिर्फ अलग करता है, लेकिन इसके साथ विटामिन्स तमाम प्रकार के चीज़ जो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि वो मूत्र वाले पार्ट में आ जाते हैं। समझ में आ रहा? और जब मूत्र वाले पार्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पे एक लगा होता है वेमन कैप्सूल, या फिर बोमन कैप्सूल बोलते हैं, या फिर संपुट कहते हैं। ये संपुट क्या करता है, उन प्रोटीन को, उन वसा को, उन विटामिन्स को क्या कर देता है, यहाँ से निकाल करके आगे भेज देता है, निकाल करके हमारे शरीर में वापस भेज देता है। और यहीं से जो ही ये सारे चीज़ निकले तुरंत ये पेशाब का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ से आते हुए पेशाब हमारा जो है यहाँ पे किडनी में इकट्ठा होकर के मूत्र वाहिनियों द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मूत्र वाहिनी थी इसी के द्वारा जो है हमारा किडनी, जो हमारा मूत्र होता है, मूत्राशय में आके इकट्ठा हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे क्रिया होती है। अब देखो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है उसको देखो, स्पंदित की क्रिया द्वारा रक्त के कणों को छानता है, यानी कि रक्त के जो कण होते हैं उनके छान करके रक्त को भेज देता वापस, और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है, और क्या कर रक्त के कणों को छान लेता है, और शुद्ध रक्त को क्या कर देता है, ये वापस भेज देता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो बोमन होता है, बोमन कैप्सूल जिसको संपुट कहते हैं, इस ये क्या करता है, यहाँ पे इसकी पार्ट होती है, ये क्या करता है, ये आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषित कर लेता है। जो आवश्यक पदार्थ हमारे विटामिन्स वगैरह होते हैं उनको क्या कर लेता है, वापस कर लेता है, फिर से अवशोषित कर लेता है, और यूरिया को अलग कर देता है। यूरिया को क्या कर देता है, वो अलग कर देता है। किस क्रिया द्वारा? अपोहन की क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? अपोहन की क्रिया द्वारा यूरिया को क्या कर देता है, अलग कर लेता है। अब इसके बाद से आगे यूरिया जाएगी यहाँ पे, और जो वहाँ पे मूत्र वाहिनी द्वारा यानी कि मूत्र नलिका द्वारा वह जो मूत्राशय पहुँच करके वहाँ पे वो खत्म कर लेगा। और नेफ्रॉन क्या करता है, पेशाब का निर्माण कर देता है। यहाँ पे नेफ्रॉन वाले पार्ट में पहुँचेगा तो यहाँ पेशाब का निर्माण कर देगा, और पेशाब को जो है मूत्राशय में भेजकर मूत्र मार्ग द्वारा उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेशाब में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो आप देख सकते हैं पेशाब जिसको यूरिन भी बोलते हैं, पेशाब में जो होता है 95% जल होता है और 2% उसमें यूरिन होता है। समझ में आ गया? पेशाब में 95% जल होता है, 2% यूरिन होता है। इसका पीएच मान जो होता है 4.8 होता है, यानी कि पीएच मान जब 4.8 है, 7 से कम है, तो इसका मान अम्लीय होगा। तो इसका स्वभाव कैसा होगा बाबू? अम्लीय होगा। और ये पीला किस कारण होता है, यूरिया हमारा यूरिन, तो पीला इसलिए होता है क्योंकि यूरोक्रोम की वजह से जो है ये पीला होता है। समझ में आ गया? अब इसका गंध जो होता है, ये गंध इतना क्यों होता है, क्योंकि इसमें अमोनिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अमोनिया पाई जाती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा गंध इसमें होता है, ठीक है।
अगर अमोनिया नहीं होता है तो गंध नहीं पाया जाता है, नहीं गंध नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो यूरिया होता है, ये जो कीट हमारा वो यकृत होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और मैं आपको ये भी बताया कि यूरिया कुछ ही देर बाद फिर अमोनिया बदल जाता है। तो आप जब टॉयलेट करते हैं कहीं पर तो बदबू नहीं करता, लेकिन कुछ देर बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो बदबू करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो यूरिया अब यूरिया नहीं रह गया, वो अब अमोनिया बन चुका है। समझ में आ गया सबको? अब किडनी की बीमारी क्या क्या होती है इसको समझ लीजिए। किडनी की जो बीमारी होती है इसमें स्टोन की बीमारी होती है, जिसमें जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सिलेज की होती है, कैल्शियम ऑक्सिलेज की होती है, ठीक है, वो स्टोन होती है। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अगला जो होता है अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है, जिस बीमारी को कहते हैं यूरेनिया नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप टॉयलेट कहीं भी करोगे तुरंत बदबू करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगला यहाँ पे गठिया रोग की बात करते हैं। तो गठिया रोग क्या होता है? गठिया रोग में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो है हमारे शरीर के अंदर जितने भी मोड़ होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी मोड़ होते हैं वो सारे मोड़ चट चट की आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, खट खट या चट चट की आवाज़ करते हैं। जैसे आप उठक बैठक करते हैं तो आपकी जो गांठ होती है वो मोड़ने पर, जो है ठेहुनी जिसको बोलते हैं, वो खट खट की आवाज़ करती है। वो किडनी से ही होता है, गठिया रोग जिसको कहते हैं उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अगला किडनी अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आप क्या करोगे, 48 घंटे के अंदर आप लोग नया किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हो। समझ में आ रहा ना? अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर से किडनी को आप 24 घंटे के अंदर निकाल करके जीवित व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो।